बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं बना रही हूँ चने की दाल गोश्त। तो किसी भी दाल में गोश्त डालूँ तो मुझे जो है बीफ पसंद है। मैं मटन का इस्तेमाल नहीं करती, दाल के साथ बीफ सही रहता है। तो चले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 3 अदद प्याज डाल दिए, छोटे साइज की प्याज थे मेरे पास वो मैंने डाल दिए। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर, ये अदरक लहसुन डाल दिया मैंने इसमें। लहसुन मैंने कम इस्तेमाल किया है इसमें भी, क्योंकि तड़के में मैं लहसुन इस्तेमाल कर सकता हूँ। और साबुत गरम मसाला जो है मैंने थोड़ा सा, जिसमें जीरा था, लौंग थी और साबुत जो धनिया, सूखा धनिया होता है वो ऐड करके इसको पीस दिया था। तो ये जो मेरे पास बीफ है मैं वो इसमें ऐड कर दूंगी। दालों में मुझे जो है, अगर दाल के साथ आप गोश्त बना रहे हैं तो मैं बीफ ज्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि उससे जरा अच्छा टेस्ट आता है। मर्जी है, आप मटन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं बीफ ज्यादा पसंद करती हूँ। और साथ ही मैंने 4 से 5 घंटे पहले जो है सोक करके रखी थी वो ऐड कर देती हूँ। अब साथ ही इसमें जो मेरे स्पाइसेस बेसिक हैं, आप पता है मैं नमक टेस्ट के मुताबिक डालें, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी और ये सूखा धनिया पिसा हुआ। साथ ही इसमें 3 गिलास पानी डाल दें, क्योंकि आपको पता है कि बीफ को थोड़ा टाइम लगता है गलने में, और वेट लगा दें। जब ये दाल और बीफ अच्छी तरह से गल जाए तो फिर इसको तड़का जो लगाना है मैं आगे आपको बताती हूँ। यहाँ पे हमारी दाल रेडी है, गोश्त भी गल चुका है, अब हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। बटर ऐड कर लिया है, दाल का तड़का रेडी करते हैं। बटर जैसे इसमें गार्लिक ऐड कर लें, जरा टेस्ट साथ ही आपको साबुत लाल मिर्च है जो इसको पे 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करते हैं, चॉप्ड हरा धनिया। मेरे बच्चों के शोर को इग्नोर करते हुए दाल तैयार करें, इनकी तो मैं बाद में खबर लूंगी। ये हमारी चने की दाल गोश्त रेडी है, इसको वाइट राइस के साथ सर्व करें, बहुत मज़ेदार, बहुत यमी बनती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।